योग गुरु रामदेव महिलाओं के पहनावे पर टिप्पणी करने के बाद एक नए विवाद के केंद्र में आ गए हैं। उनके बयान की राजनीतिक और सामाजिक हलकों में कड़ी आलोचना हो रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की मौजूदगी में एक कार्यक्रम में रामदेव ने कहा कि महिलाएं उनके जैसा कुछ भी ना पहनकर भी अच्छी दिखती हैं। शुक्रवार को महाराष्ट्र के ठाणे में एक योग प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते रामदेव ने कथित तौर पर कहा कि महिलाएं साड़ी में अच्छी लगती हैं, वो सलवार सूट में भी अच्छी लगती हैं और मेरे विचार में वो मेरे की तरह कुछ भी ना पहने तब भी अच्छी लगती हैं। साड़ियां अपने झोले में पैक करके लेके आई थी, वो इस सुबह योग किया, उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया, अब घर जाके पहन लेना, कोई बात नहीं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई नहा भी पहने तो भी अच्छे लगते, कोई नहा भी पहने तो भी अच्छे लगते, कोई नहा भी पहने तो भी अच्छे लगते, कोई नहा भी पहने तो भी अच्छे लगते। इस मौके पर रामदेव ने लोगों से अमृता की तरह लंबी उम्र जीने के लिए खुश और मुस्कुराते रहने का आग्रह किया। उन्होंने उन महिलाओं से बातचीत की जो प्रोग्राम के लिए अपने योग के कपड़े और साड़ियां लेकर आई थी और रामदेव द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुई थी। चूंकि बैठक प्रशिक्षण शिविर के तुरंत बाद शुरू हुई, इसलिए कई महिलाओं को कपड़े बदलने का समय नहीं मिला और उन्होंने अपने योग सूट में ही इसमें हिस्सा ले लिया। इसे देखते हुए रामदेव ने कहा कि अगर उनके पास साड़ियों को पहनने का समय नहीं था तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, वो इसे घर जाने के बाद पहन सकती हैं। और फिर उन्होंने वो बात कह दी जिसे कुछ हलकों में सेक्सिस्ट करार कर दिया। रामदेव के विवादास्पद बयान को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने शनिवार को उन्हें नोटिस देकर 3 दिन में अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। योग गुरु की टिप्पणी की महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में विपक्षी दलों ने भी निंदा की है। अब देखना होगा कि क्या रामदेव सामने आकर अपना पक्ष स्पष्ट करते हैं या फिर सामने आकर महिलाओं से माफी मांगते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।